आज ना चलते हैं कासिम, सुना नाश्ता उसका अच्छा है, क्या कहते हो? दुबई जाना है? किसे जाना है? अब तेरी भी सैलरी काट लेगा ना, तो ये डर पड़ा हुआ है। आधे दिन की अभी काट ही दी। तू बोला क्या कर? अरे यार चेक डिपॉजिट करना है। कितने बजे का टाइम था? 9 बजे का। इधर आना लेने उसमें। इधर ही आना। तो तू इंटरनेशनल सिटी चलना, उधर से हम उसको पासपोर्ट दे दे। राष्ट्रीय नहीं तो ऑफिस ही जाना है ना, उधर से तेरे ऑफिस चले जाएंगे, पासपोर्ट दे के तो वापस आ जाएंगे। मैं तो नहीं गया, निकल ओद ला देनी, खिंच देनी इशारे पे ही खिंचनी सीधी, ठाठा मार दे, तेरा भी हिसाब है। सानू मजा ही इन्ना आंदा सी, हम जो हम जा के चलाई दी है कभी माठी माठी आराम में रहना है कसम, आराम आराम में, कोई टेंशन ही नहीं। बंदा 40 भी जा रहा है, 40 भी चलाने का मजा आता है, 40-60 बस है चलाओ तो आराम ना जा रहा है जी, बंदा टेंशन फ्री हो पे उदो तो मजा नहीं। जो घरों निकलना ना मदर साहब तो इंज घरों ही होने इंज मंडनी हो, पहले गेर ही उन्हें उदो पाना जो होंडा पटना ला जाने। तुम्हारा भी यही हिसाब था कि पहले गेर पाया तो बस दूजा उदो ही लाना है जो होंडा कहेगा बस भाई तेरी मेहरबानी है मैं पटन लगा वहां। 130 भी जाएगा बोला तू 100 जान दे मैंने यही टेंशन रहनी है क्योंकि इन्हें मतलब की करेगा पैसे जोड़ी मैक्सिमम लिमिट है रोड की वो ही जाएगा उस थले नहीं जाएगा वो यदा वास ही नहीं चलता पता नहीं दिमागी तौर पर ना वो हो जाता है वे हम आराम में चला अपनी गड्डी हो गई मैं तो इन्नी कभी अंबूता भी चाहते इन्नी खिंची गड्डी कहती कौन आ गया मेरे उ इस टाइम कंफ्यूज है वो खुद भी सोच में है कि मैं की करा मैं तो हो ही नहीं रहा हल्की चलानी सिख उस जो बंदा हल्की चला सकता ना वो तेज भी चला सकता है तो तू तो सिर्फ चिखी में रहा तेज चलानी ये भाई जान कंपनी के काम जाता था ना अबू धाबी मैं जाता हूँ ना अबू धाबी कभी तो आराम से जाते हैं आराम से आते हैं और सीधा घर आए ताकि टाइम भी बंदे का उतना ही हो काम भी हो जाए वापसी का टाइम भी पूरा हो जाए और बंदा घर पहुंच जाए। ये भाई जान अबू धाबी से आगे चल रुए से होके जाके आके फिर दफ्तर बैठा होता सी खत्म ही नहीं होता। मैंने लाइन भला क्यों चेंज की थी अली कासम सिर्फ है गड्डी के बराबर खड़े होने वास्ते कि मैं अपनी पहले निकल जाऊँ उधर से हम पहले थबंटू ले लें थोड़े से वे फिर इन्हें वही काम किया। नाजरीन तुम भी गौर करो कि अली भाई की ड्राइविंग की मसला है तुम भी कमेंट करके दस सकते जे डू कमेंट फॉर मिस्टर अली रजा ड्राइविंग है ना वे दुबई पुलिस वाले वेख लैन तो तेरा लसेंस ही कैंसल कर दे उन्होंने कहना कि कौन इन फड़ो ए लसेंस कैंसल करो ए क्यों नहीं सीधी तरह चलाना। अभी हम आए हैं वाह जी वाह रेस्टोरेंट और ये पाकिस्तानी खानों में लग तो रहा है ऊपर लिखा हुआ है इंडियन पाकिस्तानी चाइनीज़ तो अब अल्लाह करे कि हम भी खा के कहें वाह जी वाह मुझे उम्मीद है कि हम ज़रूर कहेंगे आए देखते हैं कि क्या है इनके पास अभी भी जाते हैं ना सॉरी वाह जी वाह और जी कुलचे आ गए कुलचे हैं हमने कहा पहले हम चने तो ज़रूर ट्राई करेंगे हर जगह से क्योंकि लोहरी जो बंदे हैं ना वो चने ही ढूंढते हैं ये मुझे लग रहा है चने ज़्यादा अच्छे हैं देखने में तो मज़े आ अच्छा पाए का मुझे शोरबा जो है ना वो ज़्यादा बारीक लग रहा है पतला शोरबा है लेकिन ये खा के पता लगेगा कि इसकी क्या सोच है सही लग रहा है उनके तोड़ के लिए तो ये पाया लग तो मज़े का ही रहा है लेकिन वो मुझे लग रहा है थोड़ा शोरबा तो खाने वाली चीज़ है चना मुझे सही लग रहा है वो चना लोरी जिधर भी जाएगा चना ज़रूर टूटेगा
चलो देखते हैं। चना इनका बेहतर लग रहा है। ठीक है एक प्लेट ये भी है। एक रोटी नहीं। अभी नाश्ता हो गया वाह जी वाह से। तो अब ये है कि हम यही सोच रहे थे बात कर रहे थे कि क्योंकि यूएई में ना जैसे पाकिस्तान में होता है कि चने किसी के मशहूर हैं, हलवा पूरी किसी की मशहूर है। अगर आप अजय पावे के पास जाके उसे कहेंगे कि भाई हलवा पूरी भी ले आ, वो ला तो देगा लेकिन वो पता नहीं कैसी होगी। यही हिसाब यहाँ पर भी है कि अभी जिस तरह लास्ट टाइम भी गए थे मियाँ जी के पास तो उसकी भी एक आइटम अच्छी थी तो दूसरी बिल्कुल बराबर थी और तीसरी जो है ना वो बिल्कुल ही फर्क। यही साहब आज ही वाह का हुआ है। और इसकी हलवा पूरी बहुत अच्छी थी और पाया जो था वो बिल्कुल एवरेज था और चने भी एवरेज थे। यानी कि ओवरऑल मियाँ जी के मुकाबले में सफाई सुथराई को अगर देखें तो सफाई कम थी। जो इन्होंने हैंड वॉश रखा हुआ था वो बिल्कुल ही बहुत लो क्लास, जो कि बिल्कुल हैंड वॉश करने में ही मुसीबत हो रही थी। खाना ओवरऑल अच्छा था लेकिन यह है कि सिर्फ हलवा पूरी के अलावा आप किसी चीज़ को नहीं कह सकते कि भाई वाह जी वाह, क्योंकि हम उस चीज़ को ज़्यादा नंबर देंगे जो कि जिसके सब खाने अच्छे हों ताकि पूरा एक पैकेज हो। कितने नंबर बनते हैं इसके वाह जी वाह के? अरे भाई तुम कितने को होगे? पूरी का तो 8 नंबर। पूरी को 8 नंबर और पाए को? पाए के 5 नंबर और चना पिछले वाले को दिए 6 दे। चने को भी 6। चना भी अच्छा था, इतना मारा नहीं था लेकिन हलवा पूरी वाला चना तो बहुत आ रहा सही पाकिस्तानी स्टाइल। यानी कि ओवरऑल इसके आप कह लें 7 नंबर। वाह जी वाह रेस्टोरेंट 7/10। वाह जी वाह मज़ा आ गया।